हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं कैलाश मानसरोवर का, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ गाइस, तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक्स बाकी के वीडियोस की। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की कैलाश मानसरोवर परिक्रमा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये कैलाश पर्वत नहीं है, इसके अंदर है जो ये सब आजू बाजू के पर्वत है ये वो सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारे पर्वत आएंगे। ये देखिए, थोड़ा स्किप भी कर दूंगा तो आप सबको मज़ा आएगा देखने में। ये देखिए क्या नज़ारा है, यहाँ पे चल के जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ से एक कदम भी अगर कहीं पे फिसले तो गए नीचे। ये देखिए इतनी ऊंचाई पे तो पहुँच गए हैं, फिर भी कैलाश पर्वत अभी नहीं आएगा, उसकी पहली झलक अभी मिल जाएगी थोड़े टाइम में। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जो लोग कैलाश पर्वत गए हैं, मैंने ट्राई किया है कि एकदम रियल फील आए, बट अगर कुछ गलती है तो सॉरी उसके लिए फ्रेंड्स, लेकिन ट्राई किया है। और हाँ गाइज, इस संडे को अखातरीज है तो मेरा नया वीडियो आ रहा है अमरनाथ, तो देखना ना भूले। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे पहली झलक कैलाश पर्वत की दिखेगी। यहाँ से ये जो सामने आप देख रहे हैं वो है कैलाश पर्वत, यहाँ से हमको उसकी पहली झलक दिखेगी। अंदर की साइड हम परिक्रमा करेंगे, बाहर भी होती है। और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो ये है कैलाश पर्वत, इसकी पहली झलक यहाँ से। चलिए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यम द्वार भी आएगा जो वहाँ पे है रियल में भी। तो यहाँ से हमारी श्री कैलाश मानसरोवर परिक्रमा स्टार्ट होगी। राक्षस ताल है, मानस सरोवर है, दोनों मैंने बनाया है। तो चलिए यहाँ से कैलाश की परिक्रमा जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये हमारा यम द्वार जो कि है, जहाँ से वहाँ पर भी है जो आत्मा शुद्धि के लिए, तो हम वहाँ पे भी पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे बेल्स है दोनों। बजता है ये नहीं, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अभी ये देखिए यहाँ से असली परिक्रमा हमारी जो है वो स्टार्ट होती है, श्री कैलाश मानसरोवर परिक्रमा। ये है कैलाश माउंटेन। और हाँ गाइस, जो सनराइज़ पे गोल्डन पिक रहती है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। बौद्ध धर्म जो कि है वो लोग पूरी परिक्रमा करते हैं, और हिंदू धर्म के लोग पौनी मीन्स 75% परिक्रमा करते हैं। तो ये एक फैक्ट है, बीच बीच में हम देखते भी जाएंगे खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए थोड़ी स्पीड रखेंगे नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब खूबसूरत नज़ारे आएंगे बीच बीच में। ये देखिए आजू बाजू भी पर्वत है, लेकिन ये एक जो बीच वाला है ये कैलाश पर्वत है। और ये नाइट को भी इतना शाइन करेगा, और हम टेंट में से आप सबको व्यू दिखाने वाला हूँ। अरे बाप रे, अभी गिर जाते। और ये जो जब सनराइज़ होगा कल, तो ये 3 दिन चलती है वहाँ पे परिक्रमा, और जब सनराइज़ होगा तो एकदम चोटी है वो गोल्डन कलर की होगी, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये गाइस, ये सब रिस्की रास्ते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है, फिर भी थोड़ा अलग बनाया है, मतलब जो जो गए उनको पता होगा। फिर भी मैंने रियल फील आए वैसी ट्राई की है फ्रेंड्स। ये सब स्नो है, बर्फ़ भी कभी कभी पड़ सकती है, बारिश भी आ सकती है। तो चलिए वेट एंड वॉच, हम परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं कैलाश मानसरोवर पर्वत की भी। साथ में मानसरोवर आ गए, देखिए 8 फेस है कैलाश के। हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, तीसरा फेज तक हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। 2 फेज चले गए कैलाश पर्वत के, नॉर्थ वाला भी चला गया है। चलिए नहीं, नॉर्थ वाला बाकी है वो दिखाऊंगा। और गाइज वहाँ पे तो
मतलब ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पे आप परिक्रमा करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी जाता है, ऐसा माना गया है, फैक्ट है एक। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स है, ये एकदम होली प्लेस है जहाँ भगवान शंकर मतलब लॉर्ड शिवा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है, और ये पर्वत अभी तक किसी ने क्लाइंब नहीं किया है रियल में, तो ये भी एक फैक्ट है, अननोन फैक्ट है। जिन जिन को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको भी ये पता है। ये देखिए हम इस तरफ के फेस पे आ गए कैलाश पर्वत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्नो गिर रहा है, देखिए झाड़ से कहीं से भी अभी स्नो गिरेगा, देखिए गिरा। तो ये बर्फ़ पिघलते पिघलते कभी कभी पानी भी आ जाता है, ग्लेशियर भी होता है। तो यहाँ पे टेंट्स भी अवेलेबल है, बेस कैंप्स भी है, तो आप पूरी परिक्रमा भी कर सकते हैं। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये कैलाश पर्वत है, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। बारिश तो है, हम टेंट में चले जाएंगे और दूसरे दिन आप सबको मैं सनराइज़ दिखाऊंगा, जिसमें ये देखिए राक्षस ताल और मानसरोवर भी आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट आधी परिक्रमा ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे तो दूर है, मैंने एक साथ ले लिया है, और वहाँ पे तो बहुत बड़े हैं वो, 320 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो मानसरोवर है वहाँ पे देवता भी स्नान करने आते हैं सुबह। और ये जो राक्षस ताल है वहाँ पे, वो ऐसा माना जाता है कि वो रावण जो है रामायण में है, रावण राक्षस, उसने यहाँ पे बैठ के भगवान महादेव की थी तपस्या। ये है वो, एक सन के शेप का है, एक मून के शेप का है, मानसरोवर है वहाँ पे भी है। ये देखिए एक टेंट है यहाँ पे, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है, क्लियर कर देते हैं बारिश को। चलिए तो ये अभी जो जो हम चढ़ाई करने वाले कैलाश पर्वत के, हम सबसे नज़दीकी ऊपर की साइड तक, मतलब उतना ऊपर भी नहीं लेकिन सबसे नज़दीकी पूरी परिक्रमा में यहाँ पे है ऊपर चढ़ के, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट हम कैलाश पर्वत के पास पहुंच गए, देख सकते हैं आप ऊपर तक, लेकिन ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये आजू बाजू भी पर्वत है आप देख सकते हैं। यहाँ से अभी आपको मैं गोल्डन पिक जो मैं बोल रहा था वो दिखाने वाला हूँ सुबह जब सनराइज़ होगा। अभी यहाँ से उतर जाना है आगे, परिक्रमा तो बहुत लंबी चलती है फ्रेंड्स, वहाँ पे 3 दिन की होती है। तो ये सब जगह से आप देख सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा वहाँ पे भी होती है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है, सनराइज़ पॉइंट, यहाँ से आप सबको भी मैं दिखाऊंगा गोल्डन पिक, ठीक है। चलिए ये मेन पार्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सनराइज़ पॉइंट गोल्डन पिक, तो उसके लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। दूर से अच्छा दिखता है इसलिए, ऊपर से भी दिखेगा लेकिन वो आपको कैलाश पर्वत का पूरा व्यू नहीं आएगा, तो वो भी मैं आप सबको दिखा दूंगा अभी। ये देखिए पहाड़ी विस्तार के यात्री, तो यहाँ से अभी हमको गोल्डन पिक बहुत ही अच्छी दिखेगी गाइस। ये नज़ारा वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जो जिसके नसीब में है उसको ही दिखता है। तो चलिए ये गोल्डन पिक, ये देखिए वेदर क्लियर होना चाहिए, बादल भी दिख रहे हैं टॉप पे। चलिए स्टार्ट कर दे, ये देख सकते हैं अभी जैसे ही सनराइज़ होगा आपको एकदम गोल्डन पिक दिखेगी। ये देखिए ये नज़ारा है जो कैलाश पर्वत पे ही पाया जाता है, क्योंकि सनरेज जो वहाँ पे जो सूर्य नारायण देव की किरण है वो सिर्फ ऊपर पड़ती है उसके, इसलिए आपको इतना ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है ये कैलाश पर्वत का, आप देख सकते हैं, और ऊपर बादल भी है, और ये एकदम ऑरेंजिश येलो, ये देखिए क्या व्यू है। देखिए ये वहाँ पे बहुत कम लोगों को दिखने को मिलता है। तो चलिए ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था फ्रेंड्स, तो होप्स आप सबको ये भी पसंद आया होगा। ये देखिए नज़दीक से उतना नहीं दिखेगा इसलिए आगे लेके गया था। तो अभी चलिए यहाँ से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। जय भोले।
तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम अभी टेंट है, बेस कैंप से, जो हमारा हिंदू धर्म का है। तो मैं भी हिंदू हूँ, और जो जैन धर्म है, बौद्ध आई मीन बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म वाले, ये टिबेट चाइना में आया है। तो फ्रेंड्स, वो लोग पूरी परिक्रमा करते हैं, हम 75% ही करेंगे, ठीक है, एज पर शास्त्र। आई नो गेम है, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। देखिए, वो पिंक ब्लॉक जो दिख रहा है, हमारी परिक्रमा वहाँ पे ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है। 75% वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको जो जो शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, उनको पता होगा कि हम पूरी परिक्रमा नहीं करते, सिर्फ जो जल जहाँ पे उत्तर दिशा में होता है, गौमुख, वहाँ तक ही वो होती है। तो ये देखिए, हिंदू परिक्रमा समाप्त। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, और ये है पूरी परिक्रमा का रूट। वहाँ पे जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जय भोले। तो चलिए आगे चलते हैं बेस कैंप की ओर, वहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी परिक्रमा होती है समाप्त, हिंदू धर्म की। तो चलिए, फिर आप सबको व्यूज़ दिखाऊंगा, उसके पहले हम बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं, उनकी परिक्रमा आगे से ख़त्म होगी, ठीक है। उनका रिटर्न रास्ता सेम रहेगा, हमारा यहाँ से अलग हो जाता है, 5 किलोमीटर आगे हो जाती है। ये देखिए, ये सब टेंट्स है, यहाँ पे आप टेंट्स में रात गुजार सकते हैं। और इधर से भी कैलाश पर्वत दिखेगा, बट इधर से उतना नहीं दिखेगा कि हम देख सके। ये देखिए, आपको सिर्फ पिक दिखेगी। तो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं, उसके लिए जल भी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रिवर भी बहती है, और कैलाश पर्वत के आजू बाजू भी पर्वत है, वहाँ पे बाहर भी परिक्रमा होती है। यहाँ पे मैंने अंदर किया है, ये देखिए एग्ज़िट, क्योंकि आपको व्यू मिले। तो यहाँ से हमारे हिंदू धर्म की परिक्रमा समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ से हम बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूले गाइज़। और नेक्स्ट वीडियो आएगा अमरनाथ का, तो वो भी आप देखना ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ से गुफा में होते होते नीचे आप रास्ता देख सकते हैं, सीधी हमारे हिंदू की परिक्रमा यहाँ पे बाहर आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये पूरा जो पर्वत है सब, उसके बीच से होकर, मतलब बाहर की साइड भी परिक्रमा होती है। तो ये सब पर्वत के बाहर कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा रहती है, ठीक है, वो होती है, और मैंने अंदर भी किया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आप सबको दिखाऊंगा, जो पूरी परिक्रमा होती है ना, उनका रूट भी दिखा देता हूँ, कहाँ ख़त्म होती है फ्रेंड्स। तो चलिए, वो भी आप सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुई थी हमारी, ये आप देख सकते हैं। तो ये व्यू भी दिखाऊंगा कैलाश पर्वत का, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, हमने यहाँ से बेस कैंप एग्ज़िट किया था, फिर वहाँ से ये सीधा आएंगे, फिर ये सीधा आके ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, तो वहाँ से ये लोग जो स्टार्ट किया था, वो यहाँ से एग्ज़िट मार देंगे। ये पूरी यहाँ से हो जाएगी बौद्ध धर्म वालों की। तो ये आप देख सकते हैं, और वो रूट सीधा ये स्टार्ट पॉइंट से मैच हो जाता है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पे, तो ये है पूरी परिक्रमा कैलाश मानसरोवर की गाइज। तो होप्स आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज़। और ये कैलाश पर्वत का वीडियो होप्स आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई तो किया है कि आप सबको एकदम रियल लगे, बट अगर कुछ गलती रह गई तो सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और गाइज, कमेंट में लिखिए जो भी आपको अच्छा लगा, कुछ गलत किया तो वो भी दीजिए, और आपको क्या चाहिए अगला वो भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, ओम नमः शिवाय कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो आएगा इस संडे को, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।